थोड़ी सी इसमें टमेटो सॉस जो कि इसके टेस्ट को और भी इनहेंस कर देगी, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। बाकी आपकी चॉइस पे है, आपको अच्छी लगे तो आप डालिए, नहीं तो ये सूप ऐसे भी बहुत ही बढ़िया लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन। विंटर्स को अगर हम खाने पीने का सीजन बोले तो वो भी सच है, इतनी खूब सारी सब्जियां आती हैं। तो आज मैं आपके साथ उन सब्जियों को हम किस तरह से यूज करें, कैसे कैसे यूज करें कि हमें उनके पूरे बेनिफिट्स मिले, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। उसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच बटर, बटर मेल्ट होने देंगे हम, बटर मेल्ट होगा तो इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने गार्लिक यानी लहसुन जो कट करके रखा था, इसको थोड़ा कुक होने देंगे, लाइट ब्राउन होने देंगे इसको बटर में। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम, क्योंकि मशरूम हल्का सा, इसको भी हम भुनेंगे बटर में। स्पून चलाते हुए मैंने मशरूम थोड़े से इसमें कुक कर लिए। अब ये एक छोटी हरी मिर्च मैंने रखी है, ये अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा चॉप किया है वो डाल देंगे। अब इसमें हम सब वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, कैप्सिकम, कैरेट और ये जो बीन्स रखी हैं वो भी, पत्ता गोभी भी, सब कुछ इसी में डाल देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसको हल्का सा बटर में भून लेंगे स्पून चलाते हुए। अब हम ये प्याज भी डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम पानी। जितने भी कप आपको सूप बनाना है उतने कप आप पानी डाल लीजिए, आधा जग मैंने इसमें डाला। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक अभी मैं इसमें कम ही डालूंगी, आधा छोटा चम्मच ही। ये देखिए आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया। अब इसको फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको बॉयल आने की वेट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस सूप को आपको और यमी पीना है तो ये देखिए ये मेरे पास मैगी का पैकेट है, इसको हल्का सा छोटा छोटा क्रश कर लेंगे और जब ये बॉयल हो रहा होगा सूप तो इसमें थोड़ी सी अगर डाल देंगे तो सूप और बढ़िया बन जाएगा। ये देखिए बस इतनी ही इसमें डाल देंगे तो ये थोड़ा सा सूप हमारा सॉलिड भी हो जाएगा और पीने में बढ़िया भी लगेगा। ये देखिए बॉयल होना शुरू हो गया, फ्लेम को कर देंगे हम स्लो और इसको 2 मिनट इसी तरह से बॉयल होने देंगे वेजिटेबल्स को। ये देखिए इसको हल्का सा गाढ़ापन देने के लिए 2 चम्मच यहां पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको इसमें सूप में डाल लेंगे ताकि अच्छे से थिकनेस मिल जाए हमें सूप में। देखिए इस टाइम पे अब हम इसमें ये पनीर कटा हुआ ऐड कर देंगे और साथ ही खूब सारा इसमें धनिया डाल देंगे। थोड़ी सी चाहे तो आप इसमें काली मिर्च ऐड कर दीजिए, काली मिर्च का फ्लेवर सूप में बहुत ही बढ़िया लगता है। और थोड़ा सा इसको मजेदार सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, सफेद विनेगर ऐड कर देंगे 2 चम्मच। बाकी आप इसको चेक करके देख सकते हैं
कि जो भी आपको कम या ज्यादा गर्म इजी सा विंटर में स्पेशल सूप बनकर रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही यमी बनता है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ, जरूर से ट्राई कीजिए, आप इस सूप की रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगा आपको। और फ्रेंड्स प्लीज कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।